हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में चालू हुआ था डिफरेंशियल कैलकुलस, और उसमें हम लोग यूनिट नंबर 3 लिए हैं। और यूनिट नंबर 3 का हम लोग एक्सरसाइज 6B करेंगे। 6 ये कंप्लीट हो गया है। इसमें पहला प्रश्न क्या है कि वाई बराबर पी कॉस पी माइनस साइन पी, इसमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले सबसे जो दिया है उसको गिवन टाइप लिखेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे गिवन टाइप लिखिएगा तो y बराबर क्या मिलेगा, p cos p, ठीक है। और ये क्या आएगा, sin p। नंबर क्या करेंगे, इसको 1 करेंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में, मतलब इसको डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में करना है, x के सापेक्ष में, विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx होगा, बीच में बराबर। यह दो फंक्शन है, ठीक है। जैसे दो फंक्शन का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये t है, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt by dx हो जाएगा, इनटू ये रहेगा cos p, बीच में क्या आ जाएगा, प्लस जैसे p रहेगा, ठीक है। और cos का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin p, और p को देखेंगे तो dt by क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। माइनस साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग कॉस पी लिखेंगे, और डीपी बाई क्या आ जाएगा, डीएक्स, ठीक है। बात यहाँ बनता है कि डीपी बाई डीएक्स कॉस, और ये बिल्कुल क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, जो बचेंगे उसको लिखेंगे। इसके लिए हम लोग डीवाई बाई डीएक्स का जो वैल्यू होती है वो पी लिखते हैं मेरे भाई। डीवाई बाई डीएक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, पी के फॉर्म में लिखेंगे। इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, पी करते हैं। तो पी बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस पी, ये हुआ साइन पी, बात समझ में आ रहा ना। और डी पी वाई क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। यह पी से कैंसिल होगा तो ये मिलेगा 1 इक्वल टू माइनस साइन पी डी पी वाई डी एक्स, यानी कि डी एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन पी डी पी, समझ में आ रहा ना। डी एक्स को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इधर होगा तो उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इसको। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा dx इक्वल टू माइनस साइन पी डी पी, इसका समाकलन करेंगे। ये समाकलन x होगा, और ये होता है माइनस कॉस पी, और प्लस क्या आएगा, c आएगा, बस समझ में आ रहा है। तो x बराबर अब हम लोग क्या रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि कॉस पी प्लस क्या आएगा, c। समीकरण इसको क्या नाम देंगे, दो देंगे। क्या हो रहा है, बनाए थे कलो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो को सोल्व करेंगे ना। तो समीकरण एक और समीकरण दो का अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो पी का वैल्यू देता, और पी को उठा करके इसमें रखेंगे, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। अब उतना नहीं किया जाता है, सीधा लिखेंगे तो पी, ठीक है, पी ठीक है, ऑफ दी गिवन इक्वेशन एंड एक्स बराबर कॉस एक्स पी प्लस सी, ठीक है, बस हो गया। डेट इज इक्वल टू, ये आंसर हो गया, समझ में आ रहा ना। तो चलिए नंबर 1 कंप्लीट है, उसके बाद हम लोग नंबर 2 देखते हैं। टोटल कितना है जी, 20 है ना। चलिए y बराबर 2p प्लस 3p स्क्वायर है, नंबर 2 में है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं ना। देखिएगा नंबर क्या है, 2 है, नंबर 2 है y बराबर 2p, बनाए थे चंदन जाती लाइक है क्या, नहीं। y बराबर 2p प्लस 3p स्क्वायर है ना, ये 3 है, नंबर क्या करेंगे 1, इस वाले को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy में क्या रखेंगे, dx, ये 2, dp by क्या आ जाएगा, dx प्लस 6 ना, और p, इसको हम लोग dp by क्या बोलेंगे, dx बोलेंगे। देखिए dy by dx का जो वैल्यू होता है p होता है, क्या होता है, p होता है, तो इसको हम p लिखेंगे। और ये dp by dx फिलहाल के लिए कवर करेंगे, तो 2 प्लस क्या होगा, 6p ना, बात समझ में आ रहा है ना।
पी बराबर डीपी बाई डी एक्स क्या होगा ना, ये हुआ 2+6 पी आएंगे। बात यहां बनता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी डी एक्स बराबर 2+6 पी इंटू डीपी। अगर dx का वैल्यू निकालते हैं तो 2+6 पी बटा पी इंटू डीपी आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करते हैं। जैसे समाकलन अगर करते हैं इंटीग्रेट लिखेंगे या इंटीग्रेटिंग, ठीक है, तो ये होगा dx का इंटीग्रेशन। इसको हम डिवाइड करके लिखेंगे तो 2 बटा पी हो जाएगा और 6 आ जाएगा, इसको लिखेंगे डीपी लिखेंगे, ठीक है। ये हुआ x, इसको लिखेंगे 2 log p, लिख सकते हैं 1/p का मतलब 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, यहाँ पे p है तो 1/p है तो log p लिखेंगे, 2 को छोड़ देंगे। इस नंबर के साथ हम लोग क्या करेंगे, p जोड़ेंगे, प्लस क्या आएगा c, समीकरण इसको क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 जो है और समीकरण जो 2 है दोनों का सॉल्व करेंगे, p का वैल्यू निकालेंगे। तो भाई निकालना यहाँ पे बहुत टफ काम होता है, डायरेक्ट हम लोग कुछ एक फंडा लिखते हैं और वही हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे लिखना रहता है। क्या मोहन क्या लिखते हैं, याद है क्या लिखते हैं, डी पी ना एलिमिनेट ऑफ टू फर्स्ट एंड क्या हो गया, टू हो गया, फर्स्ट एंड टू, मतलब समीकरण एक समीकरण दो से हम लोग करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो से हम लोग बात करते हैं। तो इसको बात क्या लिखते हैं, ठीक है, मतलब P और T को रिक्वायर्ड, चलो हो गया। नंबर देखिए हम लोग पी को बात करते हैं ना, समझ में आ रहा है ना, अरे डिफरेंशिएट कर देना है और क्यों डीवाई बाई डी एक्स के जगह पर हम लोग पी रखेंगे, कट उठ गया, बाकी एक तरफ पी को एक तरफ फिक्स करके इंटीग्रेट किया जाता है। और जैसे करेंगे तो समीकरण वन समीकरण दो से हम लोग पी को क्या करेंगे, हटा देंगे, जो भी आएगा वही क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब में पी का वैल्यू बहुत जल्दी निकलता नहीं है, इसलिए आपको वही भाषा लिखना पड़ेगा कि पी को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे कौन सी समीकरण से, तो 1 और 2 से करेंगे, ठीक है। आप जो भी फाइनल आंसर देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें प्रश्न संख्या 3 है और 3 बिल्कुल आप इसको देख लीजिए क्या है, जैसे नंबर 3 है ना, तो 3 क्या दिया है कि y बराबर, y किधर है जी, बोला y बराबर यहाँ पे 2px+4xp², ठीक है। देखिए इसका नंबर ये 1 आ गया, इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ना, अब किसके सापेक्ष किया जाएगा, x की सापेक्ष करेंगे, तो ये बनेगा देखिएगा dy/dx। इसमें दो फंक्शन है, यहाँ भी दो फंक्शन है, 2 को छोड़ करके जैसा हम p लिखेंगे dx/dx लिखेंगे बीच में प्लस, x को बाहर dp/dx लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है। 4 को बाहर ले लेते हैं, जैसे p² है dx/dx बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। आगे चलेंगे तो x को बाहर dp² / dx है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए a होता है p बोलते हैं, ये 2 रहेगा, इसको हम p बोलेंगे, x dp बाय क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा और प्लस 4 रहेगा, इसमें हम लोग p² बोलेंगे। और इस वाले को देखिएगा 2 आगे xp और dp बाय क्या आ जाएंगे, dx आ जाएंगे, समझ में आया ना। 2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो a मिलेगा 2p + a/2x dp बाय
dx, बीच में प्लस होगा 4p स्क्वायर प्लस 8 ना xp dp by dx। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे p है, यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 4p स्क्वायर एक तरफ कर लेते हैं, समझ में आ रहा ना। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, p माइनस 2p माइनस 4p स्क्वायर और dp by dx को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो मिलेगा 2x प्लस 8xp ना। चाहे तो आप x यहाँ पे कॉमन कर लीजिएगा, x भी कॉमन कर लेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2 प्लस 8p। बात समझ में आ रहा है। अगर आपको चाहे तो यहाँ पे एक और चीज हो रहा है, क्या हो रहा है, आप 2 कॉमन कर सकते थे, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। अरे भाई इसमें 2x कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 4p मिलेगा। p माइनस 2p अगर हटा दिया जाए तो कितना मिलेगा, महान होता माइनस p और एक 4p स्क्वायर, ये होगा 2x से dp बाई क्या आ जाएगा, dx 1 प्लस 4p माइनस कॉमन कर दे p, तो इसमें हम लोग माइनस p को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस क्या आएगा, 4p आएगा और ये 2x से dp बाई क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ये 1 प्लस 4p आता है, ये बिल्कुल क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, मिला क्या, तो माइनस p इक्वल टू 2x dp बाई क्या आ जाएंगे, dx आ जाएंगे। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि माइनस p dx बराबर क्या आएगा, 2x dp आ जाएगा। ठीक है, बात बनता है कि a वाला जो नंबर है इधर हम लोग लाएंगे, इसको हटा दे। तो ऐसा काम करते हैं कि इस वाले x को यहां पे लिखेंगे तो क्या मिलेगा, dx by x बराबर 2 dp माइनस क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। अब इसको समाकलन करते हैं तो dx by dx इक्वल टू 2, चाहे माइनस को बाहर करके 1 by p कर लेते हैं, यहां पे dp, ये क्या मिलेगा, log x बराबर माइनस 2 log p, अब प्लस क्या जोड़ देंगे, log c जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log x प्लस 2 log p बराबर log c, इसको x लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और ये पहले log लिख देते हैं, एक फॉर्मूला लगेगा 2p स्क्वायर बराबर log c, क्योंकि a log b बराबर log b के पावर a, यहाँ पे log a प्लस log b का जो फॉर्मूला होता है दोनों का मल्टीपल हो जाएगा इक्वल टू log c हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, अगर हम log से log कैंसिल मतलब होगा तो x p स्क्वायर इक्वल टू c होगा, तो p स्क्वायर इक्वल टू c बटा x होगा और p निकालेंगे तो c x का रूट आ जाएंगे। समझ में आया, समझ में आ गया, अरे समझे बात को। चलिए समीकरण हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा दें, p का वैल्यू निकल गया, आसानी से p का वैल्यू निकल गया है, तो आपको ज्यादा कुछ करना है, p का वैल्यू इसमें हम लोग रखेंगे। तो लिखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, 1 का जो समीकरण है y बराबर 2px प्लस 4xp स्क्वायर है, जैसे y हो जाएगा 2x, ठीक है। बात बनता क्या है, p का वैल्यू क्या है, ये c है और यहाँ भी क्या है, x है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट देंगे, प्लस क्या है 4x, p का स्क्वायर क्या है तो c बाई x है, बिल्कुल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि y लिखेंगे, y बराबर क्या है 2x और रूट c बाई x प्लस 4c, y माइनस 4c इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2x रूट cx, इसको हम स्क्वायर करते हैं तो y माइनस 4c का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होगा x स्क्वायर और c बटा x होगा, क्या यह कैंसिल होगा, तो y माइनस 4c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 4cx आएगा या xc आएगा। अब इसमें आपका p प्रेजेंट है क्या, नहीं, p है क्या इसमें, नहीं, तो वो भाषा हम लोग नहीं लिखेंगे कि p को यहाँ पे हटाना नहीं है
ऑफ इक्वेशन वन एंड टू विल बी ना विल गिव एज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ऐसा कुछ करना नहीं है। और बेटे समझ में आया, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, दो फंक्शन यहाँ भी, दो फंक्शन यहाँ भी, इन टू वी पर डिफरेंशिएशन कर देना है। dx by dx 1 आएगा, dx by dx 1 आएगा, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जिसमें dp by dx नहीं है उसको एक तरफ ला दिए, और जिसमें dp by dx है उसको हम लोग कॉमन कर दिए, अब बिल्कुल कॉमन करें यहाँ घटा दिए, यहाँ भी माइनस p को निकाल दिए, दोनों ये बिल्कुल कट जा रहा है, जो बचेगा उसको लिखेंगे, एक तरफ x एक तरफ y, p को किए बाकी इंटीग्रेट किए, a माइनस इधर लाएंगे प्लस आएगा, और ये फॉर्मूला लगेगा तो log p और ये 2 ऊपर स्क्वायर, log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा दिए, log से log इधर x p स्क्वायर, यहां पे हम लोग p का वैल्यू निकाल करके समीकरण 1 में पुट किए, ऐसा इसलिए इधर किए, इसको cos को इधर लाएंगे तो ये रूट है कि स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, जो बच गया उसको हम लोग लिखेंगे। चलिए आप इसको नोट करेंगे जल्दी में। नंबर 4 है, इसमें देखिए आपका टोटल 20 है, बात पहले समझ लीजिएगा, टोटल क्या है 20 है, आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं, अब बनेगा, हमेशा बनेगा, आपका थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन देख लीजिएगा, और इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं नहीं तो इंटीग्रेशन का बहुत सारा वीडियो है, आप उसको भी देख करके आप इंटीग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। जैसे नंबर 4 में दिया है कि y बराबर x इंटू पी प्लस पी की वे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, ये आ जाएगा y, ये मिलेगा px एक्स प्लस एक्स पी की, यहाँ भी कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको पता है, e इंटू बी, जैसे p को बाहर dx बाय dx हो जाएगा, बीच में प्लस होगा, x को बाहर dp बाय क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, बात को समझ गए, बीच में प्लस हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जैसे आपका p की बाहर dx by dx का 1 होता है और x को बाहर dp by क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, जैसे इसको हम लोग p लिखते हैं, dy by dx को क्या लिखेंगे, p, आपको पहले याद रखिए dy by dx है तो इसको हम p लिखेंगे, और अगर dx by dy है तो इसको 1 बटा p लिखेंगे, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। dx by dx equal to 1 तो इसको हम लोग क्या करेंगे, p x dp by क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, प्लस यहाँ पे p की आ जाएगा, और प्लस a लिखेगा 3, a की स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a कम होगा तो, और इसको हम लोग dp by dx लिखते हैं, यह p से p बिल्कुल क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, जिसमें p नहीं है, सॉरी जिसमें dp by dx नहीं है ना, उसको एक तरफ, जैसे इसमें dp by dx नहीं है हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और बराबर में जैसे dp by dx को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, ये मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा और a होगा 3p स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा ना। अब बात यहाँ बनता है कि इसको मल्टीप्लाई करके आप लिखिएगा तो माइनस dp और a dx इक्वल टू क्या आएगा, x dp इंटू 1 प्लस 3p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे dx by x लिखेंगे बराबर में इस वाले को यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो 1 प्लस 3p स्क्वायर बटा a p क्यूब, ठीक है, और इनमें माइनस dp आ जाएगा, बात समझ में आ रहा जी, इसको डिवाइड करके आप लिखिएगा तो dx by dx ये हो जाएगा, dx by x हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर लेते हैं तो 1 बटा क्या आ जाएगा p क्यूब, और ये कट करके 3p मिलेगा, कितने मिलेगा 3p मिलेगा ना बटा में, और ये हो जाएगा dp, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, क्या है मजाक कर रहा है लाइट, देखिए देख लेना जी, बहुत ज्यादा हो गया है ना, बढ़ा करके लाइट थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ माइनस है ना, चलिए इसको समाकलन हम लोग करते हैं, 1 by p की प्लस क्या आ जाएगा 3p, और तो ये कैसे समाकलन होगा इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, देखिए ये तो log x हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है, जैसे ये आपका
पी है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं पी के पावर माइनस थ्री, ये थ्री पी रहेगा एक बार, और ये क्या रहेगा डी पी आ जाएगा। जैसे लॉग एक्स ए माइनस हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं एक जोड़ेंगे तो पी की पावर माइनस टू आएगा, वही माइनस यहां भी आएगा थ्री, और ये क्या रहेंगे लॉग पी ना प्लस सी। अब समझ में आया, ये लॉग एक्स इस माइनस को गुणा करेंगे तो पी माइनस क्या आ जाएगा टू, और ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस थ्री लॉग पी प्लस सी आ जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो क्या लॉग एक्स प्लस लॉग पी के पावर थ्री बराबर क्या आ जाएंगे ये वन बटा टू पी स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको हम फॉर्मूला लगा सकते हैं तो क्या लगेगा लॉग एक्स पी बराबर वन बाई टू पी स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। लॉग इधर जाएगा तो एक्स से पी के पावर थ्री बराबर ई के पावर वन बाई टू पी स्क्वायर प्लस सी ना, एक्स क्या रखेंगे इसको हम बताओ तो दो बार आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, अच्छा ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा सी ई के पावर वन बाई टू पी स्क्वायर बटा पी क्यू, एक्स का जो वैल्यू आएगा आपके पास ऊपर गया तो सी पी के पावर माइनस थ्री ई वन बाई टू पी स्क्वायर आएगा, और यह समीकरण हम लोग क्या लिखेंगे दो लिखेंगे। चलिए समझ में आया, समझ में आया। अब यहाँ पे लिखेंगे दी पी को, ठीक है, क्या करना है पी को हटा देना है, ठीक है, और वन एंड किससे टू से, यहाँ पे एक थोड़ा सोच लेंगे, आपके जो बुक में दिया है उस हिसाब से अगर आप लिखिएगा तो हम बता दे रहे हैं कि x के पावर p क्यू लाए है ना यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा e के पावर जो भी है उसको लिख दीजिएगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे c लेते हैं तो टोटल, या तो हम k भी ले सकते हैं तो x p के पावर 3 बटा k लिखेंगे और e के पावर 1 बाई टू पी स्क्वायर, ये 1 बाई के को आपका c लिखा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत आपके पास होगा नहीं क्योंकि ये चीजें कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या तो इस तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि एग्जांपल में ऐसा हमने बता रखा है। जैसे बुक में आप देखिएगा तो ये लिखा हुआ है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दिया था, और e के पावर c को कुछ लिख दीजिए, 1 बाई c भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं, c को इधर लाइएगा तब बटा में आएगा, और 1 बटा c को बड़ा c लिखिएगा तो ये मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चलिए इसको नोट करेंगे। उसके बाद नंबर हम लोग 5 देखते हैं, और 5 और आपका जो 4 था एक ही है, सॉरी 3, ठीक है 3 चाहे 4 देख लीजिए एक ही है। नंबर 5, नंबर 5 में क्या है देखिए, ए पी का स्क्वायर है प्लस क्या है पी है, और वाई बाई एक्स दिया हुआ है, वाई में क्या दिया है भाई एक्स है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वाई बराबर क्या आ जाएगा एक्स पी स्क्वायर प्लस पी एक्स बन जाएगा। ये चीज अभी जस्ट इसी बनाएंगे, इन टू भी का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, सेम टू सेम है, ज्यादा कुछ परेशानी भी नहीं है, है ना, बन जाएगा ना चाहिए। बन जाएगा जैसे आपके पास यहाँ क्या है देखिएगा, एक अभी देखिए क्यू था ना, लेकिन है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो बिल्कुल आप इसको डिफरेंशिएट करके बनाइए, बन जाएगा। इसी टाइप से नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, आप ये नंबर 1 मान लीजिएगा, इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, और डिफरेंशिएशन करने के बाद छोटा सा मिल जाएगा, ठीक है।
बात समझ में आ रहा चीज है, हम क्या बोलना चाहते हैं, इसी टाइप का है बस पावर कम है। नंबर देखिए सिक्स बनाते हैं और नंबर सिक्स में है कि y बराबर बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये होगा पी स्क्वायर प्लस माइनस सेवन वाई, इसमें लिखेंगे टू पी, अब प्लस क्या है टू है, y बराबर एक्स पी स्क्वायर माइनस टू एक्स पी प्लस टू एक्स। हाँ जी माइनस टू है ना, माइनस टू पी है, सही तो है। चलिए ये नंबर क्या हो गया, वन हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके सापेक्ष करना है बताइए, x के सापेक्ष, dy by dx हो जाएगा, यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन वन तक p स्क्वायर आएगा, p स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2p, और p के साथ है dp by dx, ये माइनस टू को हम बाहर निकाल देते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन वन आएगा तो ये p बन जाएगा, और p का डिफ्रेंशिएशन होगा dp by dx और a प्लस टू आ जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन वन आएगा, इसको हम p लिखेंगे, p स्क्वायर प्लस 2xp dp by dx लिखेंगे, ये 2p लिख देंगे क्योंकि गुणा कर देना है, माइनस 2x dp by dx हो जाएगा, अब प्लस टू आ जाएगा। तो ये पिछले हम लोग क्या किए थे, dp by dx को एक तरफ छोड़ेंगे, बाकी को एक तरफ ले चलते हैं, समझ में आता ना। चलिए इसमें आ जाएगा p माइनस पी स्क्वायर प्लस टू पी और प्लस माइनस टू आ जाएगा, बहुत आ जाएगी, वन टू थ्री और फोर, ये प्लस है माइनस हुआ, प्लस है माइनस, सॉरी माइनस है प्लस है, और ये प्लस है तो माइनस हुआ। यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन करते हैं, ये कॉमन होगा टू पी एक्स कॉमन करेंगे ना, और dp by dx भी कॉमन कर देते हैं, dp by dx कॉमन कर लेते हैं, और ये मिलेगा p प्लस माइनस, p माइनस वन मिलने वाला है, देखिए dp by dx कॉमन किए और 2x कॉमन किए तो ये p मिलेगा, और यहां से एक बार कॉमन हो करके और मिलेगा, क्या इसको कैसे लिख सकते हैं बताइएगा, इसको क्या माइनस p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 2 लिख सकते हैं, dp by क्या लिख सकते हैं dx, p माइनस क्या लिख सकते हैं बस, इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे कॉमन करके उधर दे देते हैं या ऐसे छोड़ देंगे, कोई परेशानी आपको करेगा नहीं, लास्ट में तो करना ही करना है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, इस माइनस को निकाल लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 आ जाएगा, आएगा। इससे देखिएगा तो ये 2x p माइनस 1 dp by dx, इसको फैक्टर में लिखना पड़ेगा जी, तो p स्क्वायर माइनस 2p माइनस p प्लस 2 आ जाएगा, ये 2x p माइनस 1 dp by dx आ जाएगा, ये बताइए इसमें क्या लिखेंगे, p कॉमन तो p माइनस 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, p कॉमन करेंगे तो p माइनस टू होगा, इसमें माइनस वन कॉमन करेंगे तो p माइनस टू आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 2x p माइनस वन dp by dx आ जा रहा, समझ में आ रहा चीज है, इसमें माइनस छोड़ दीजिए, इसमें लिखेगा p माइनस वन और p माइनस टू लिखेंगे, ये होगा 2x p माइनस वन dp by dx लिखेंगे, p माइनस वन कट गया तो p माइनस टू मिलेगा, अब बराबर 2x dp by क्या हो जाएंगे dx आ जाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा p माइनस टू dx बराबर 2x dp by dx, तो dx को तो हमने यहाँ लिख दिया है, अब इसमें हम dx by x करना चाहते हैं क्योंकि dx यहाँ से x यहाँ से, तो 2 बटा p माइनस टू और ये हो जाएगा dp, क्या जी सही है, उन्होंने इसको हम इंटीग्रेट करेंगे dx by x 2 बटा p माइनस 2 dp, ये हुआ log x बराबर माइनस 2 log p माइनस 2 प्लस log x ही जोड़ेंगे, हाई वाले को इधर लाएंगे, इसको हम लोग लिखेंगे log
पी माइनस टू ऊपर से स्क्वायर चल जाएगा और लॉग सी, ठीक है। चाहे तो इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे लॉग ए प्लस लॉग बी का, तब पी माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग सी। और यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू मिलेगा, लॉग इधर जाने के एक्सपोनेंशियल मिलेगा, तो ई के पावर लॉग सी इक्वल टू सी होगा, दैट इज इक्वल टू लॉग लॉग कैंसिल कीजिए, एक्स इंटू पी माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू सी मिलेगा, मिलेगा ना जी। अगर हम इसको p माइनस टू निकालते हैं, निकल रहा है इसलिए निकाल रहे, तो c बटा एक्स आ जाएगा। अगर p माइनस टू करते हैं तो इस पर क्या आएगा, c बटा एक्स का रूट, और p बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास c बाई रूट एक्स रूट, और ये प्लस क्या आ जाएगा टू। अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू है इसको कहाँ रखा जाए, इस समीकरण में रखेंगे, रख सकते हैं ना, जहां जहां पी है वहां पे रूट पे क्या लिखेंगे हम लोग, सी बाई एक्स प्लस टू रखेंगे, और बिल्कुल इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। नोट करें इसको, समझ में आ रहा ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, डीवाई बाई डी एक्स के जगह पर की कर देना है, डीपी बाई डी एक्स को एक साथ रखना है, बाकी को एक तरफ करना है, तो मत कर दिया, यहाँ पे गुणनखंड हो रहा था, गुणनखंड करके काट देंगे, एक तरफ एक्स को एक तरफ P को इंटीग्रेट करेंगे, अगर P का वैल्यू निकल गया तो ठीक है, और नहीं निकलेगा तो हम लोग समीकरण एक समीकरण दो मान करके और थोड़ा सा लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन देखिए वन से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन से, वन का समीकरण यही है, या तो सीधी सी बात है, देखिएगा इसको हम लोग लिखेंगे बढ़िया से, सिंस वाई बराबर एक्स पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस क्या है टू है, जैसे हम x को छोड़ देते हैं, p का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या मिलेगा भाई, बारह जल्दी चलेगा भाई, ये हो जाएगा रूट सी बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, माइनस आ जाएगा टू, p का वैल्यू क्या है तो रूट सी बाई एक्स प्लस टू है, अब प्लस टू, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व कर सकते हैं, अरे क्या करना है, ये प्लस बी का स्क्वायर लगा देना, बात समझ में आ रहा है ना, तो वाई बराबर इसको एक छोड़ देते हैं, ए का स्क्वायर सी बाई एक्स आ जाएगा, प्लस फोर आ जाएगा, इस वाले को देखिएगा तो देखेंगे टू ए बी मतलब फोर आ जाएगा और सी बाई एक्स आएगा, इसमें टू रूट सी बाई एक्स आएगा, माइनस फोर प्लस क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अच्छा इसमें देखिएगा तो जी वाई एक्स को छोड़ दीजिए फिलहाल, अभी सी बाई एक्स हो जाएगा, अच्छा इसको जोड़िएगा तो छह मिलेगा, छह मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, इसको जोड़िएगा छह मिलेगा ना, चल चल कैंसिल इसको कैंसिल करते हैं, चलिए ठीक है कैंसिल कर देते हैं, इसमें बता दीजिए आप प्लस मिलेगा टू सी बाई एक्स और ए प्लस क्या मिलेगा टू मिलेगा, ऐसा काम करते हैं एक्स से इसको गुणा करना चाहते हैं, एक्स से क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो ये मिलेगा सी, अच्छा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से टू एक्स रूट सी रूट एक्स हो जाएगा, होगा अब प्लस में क्या आ जाएगा टू एक्स, ऐसा काम करते हैं कि वाई आ जाएगा, इसको हम इधर लाएंगे तब टू एक्स आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे अब बच क्या गया रूट एक्स, टू एक्स रूट सी वाई रूट एक्स, इसको स्क्वायर कर दिया जाए हाँ, तो पी को ही हटाना रहता है हमेशा, हाँ इसको क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो वाई माइनस टू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, टू का स्क्वायर आपको पता है समझ गए, और एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, y माइनस टू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर फोर सी एक्स, आंसर समझ रहे हो भाइयों, देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, नंबर वन मान लेते हैं, ठीक है, पहले इसमें हम y का वैल्यू निकाल देते हैं, क्या निकालेंगे y का वैल्यू, y इधर गया तो प्लस लेकर गया, यानी कि 2yp बराबर हम लोग xp स्क्वायर माइनस 6 लिख सकते हैं,
अगर यहां से देखिएगा y केवल निकालेंगे तो एक्स पी स्क्वायर माइनस एक्स बटा टू पी आ जाएगा, चाहे तो यहाँ पे टू छोड़ देते हैं, केवल पी को इधर लिख देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x में, ये रहेगा टू dy by dx बराबर u by v का डिफरेंशिएशन इसमें चलेगा, p हो जाएगा। रुक जाओ थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन वन यानी कि पी स्क्वायर और बीच में क्या होता है प्लस, इसका डिफरेंशिएशन टू एक्स पी dp by dx माइनस कितना आ जाएगा इसका वन आ जाएगा, ठीक है ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो माइनस लगा करके एक्स और डीपी वाई क्या आ जाएगा dx होता है बटा p का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये p से p कैंसिल नहीं होगा, 2 हो जाएगा, इसको p लिखेंगे हम लोग क्योंकि dy by dx हो, ये होगा p हो गया। इसमें हम क्या करते हैं p से गुणा करते हैं, p की होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करते हैं 2x p स्क्वायर dp by dx माइनस p और x p स्क्वायर माइनस x dp by dx, इस p को इधर लाएंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब बात बनता है इस वाले को हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो 2 हो जाएगा p स्क्वायर pq बराबर, इसमें से देखिएगा छोड़ दे, अच्छा ये और है माइनस, यहाँ पे p आ जाएगा प्लस होगा। इस पे देखिएगा कुछ कॉमन होने लायक है क्या, नहीं है, छोड़िए dp by dx आप कॉमन कर लीजिएगा तो 2x p स्क्वायर माइनस x p स्क्वायर आप प्लस x हो गया, समझ में आ रहा ना, ये dp by dx को कॉमन करेंगे तो ये जैसे कि तैसे ये वाला माइनस p को इधर लिख दिया है, इस माइनस से हम लोग गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस आ जाएगा। मान यहां पे देखिए तो क्या मिल रहा है, केवल p की मिलेगा, अच्छा ये प्लस p मिलेगा, यहां पे देखिएगा dp by क्या आ जा रहा है dx आ जा रहा है। मेरे भाई यहां से देख लो थोड़ा सा क्या मिलने वाला है, तो ये मिलेगा एक्स पी स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा x, क्या हम x को कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं, और यहां से p का भी कॉमन करेंगे 1 प्लस पी स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हैं आप, चलिए छोड़िए सही पी स्क्वायर प्लस 1 ए डी पी बाई क्या आ जाएगा डी एक्स, दिख रहा है जी, अरे दिख रहा है क्या, नहीं बोलिएगा दिख रहा है, तो क्या मिला p बराबर x dp by dx, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये मिलेगा p dx इक्वल टू x dp by dx, तो dx को आप यहां लिखे हैं dx by x इक्वल टू dp by p। अब इसका इंटीग्रेट करो dx by x बराबर dp by p, ये होगा log x बराबर log p होगा प्लस log c होगा। इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं पता है कि log x माइनस log p बराबर log c, log x बटा p इक्वल टू log c होगा और x बटा p बराबर c आ जाएगा। यदि हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको इधर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो pc इक्वल टू क्या आएगा x, p बराबर x by c है ना, तो 1 by c को हम क्या मान लेते हैं k मान लेंगे, तो बताइए क्या मिलने वाला है इसमें, तो ये मिलेगा p बराबर k x मिलेगा, ठीक है, और सीन्स 2y बराबर 2y बराबर क्या है x है फिर p स्क्वायर माइनस x बटा क्या है p है, तो ये 2y आ जाएगा x आ जाएगा, p का वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा k स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x बटा kx मिलेगा, मिलेगा ना, अब ये हो जाएगा 2y होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे x को कॉमन करेंगे तो k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बटा kx, x कटेगा तो 2ky, क्योंकि k को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और जो बच गया उसको लिखिएगा k स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1, यही तो हो गया आंसर। यहाँ पे देखिएगा k बराबर c, k c क्योंकि कांस्टेंट है ये भी और ये भी क्या है कांस्टेंट है, तो आंसर जो बुक में है उससे लिखा है सी वाई बराबर सी एक्स, बात समझ में आ गया।
समझ गए, तो आप इसको नोट कर लेंगे और एक बार फिर से समझ लेंगे। अगले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 8 से देखेंगे। बिल्कुल, क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में।